हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं दही के बारे में। दही दही बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको बहुत अच्छी लगती है। अगर खाने में दही हो तो खाने का स्वाद और बढ़ जाता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं दही तो हमें बहुत पसंद है लेकिन सहन नहीं होते, तो इसमें हमें क्या देखना चाहिए? वो दही सही तरीके से खा रहे हैं? तो इस वीडियो में मैं आपको दही खाने का सही तरीका कौन सा है, दही किसे खाना चाहिए, दही किसे नहीं खाना चाहिए, ये सब बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो एंड तक देखिए। आयुर्वेदा में चरक संहिता एंड अष्टांग हृदय में दही के बारे में पूरी जानकारी मिलती है, जैसे कि दही के गुण क्या है, दही खाने से क्या फायदे होते हैं और दही खाने की सेवन विधि क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। दही जो है आम्ल रस की है, खट्टे रस की है, रुचिकर है, भूख को बढ़ाने वाली है। तो दही का उपयोग वो लोग कर सकते हैं जिनको भूख नहीं लगती। दही का उपयोग करने से क्या होता है, भूख बढ़ती है। इसके साथ साथ दही अग्नि दीपन करती है, यानी जिन लोगों में अग्नि मंद है, जिनकी पाचन क्रिया अच्छे से काम नहीं कर रही है, डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, वो लोग भी दही का सेवन कर सकते हैं। इससे क्या होता है, उनकी पाचक अग्नि बढ़ जाती है। नेक्स्ट, दही जो है उष्ण वीर्य की है, यानी गर्म स्वभाव की है। बट बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि दही ठंडी है, ठंडे स्वभाव की है, तो ऐसा नहीं है। दही जो है गर्म स्वभाव की है। तो दही का इस्तेमाल वो लोग भी कर सकते हैं जिनको बार बार जुखाम होता है, नाक से पानी बहता है, वो लोग दही का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ साथ दही ग्राही है। ग्राही यानी मल को बांधने वाली है। आपने सुना होगा अगर किसी को जुलाब हो रहा है तो उसको दही और उसके साथ चावल खाने की सलाह दी जाती है। इसका मतलब दही का सेवन वो लोग भी कर सकते हैं जिनको जुलाब हो रहा है या पेशाब की प्रॉब्लम है। इसके अलावा दही जो है बलवर्धक है। बलवर्धक यानी बल को बढ़ाने वाले, स्ट्रेंथ देने वाले है। जिन लोगों में कमजोरी है, वीकनेस है, थकावट है, वो लोग भी दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये वीर्य वर्धक है, यानी स्पर्म के क्वालिटी को एंड क्वांटिटी को बढ़ाती है। लेकिन दही का सेवन किसे नहीं करना चाहिए? तो जो लोग मोटे हैं, जिनका वजन ज्यादा है, जिनमें चर्बी की मात्रा ज्यादा है, उनको दही का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दही जो है कफ करह है, शोथ को बढ़ाने वाले है। अब देखते हैं दही कब नहीं खानी चाहिए। तो दही जो है रात में नहीं खानी है, गर्म की हुई दही भी नहीं खानी है, और जो दही अच्छे से नहीं जमी है उसका सेवन भी हमें नहीं करना है। इसके साथ साथ दही जो है शरद ऋतु में, वसंत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में हमें नहीं खानी चाहिए, और दही का सेवन रोजाना नहीं करना है। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमें दही का सेवन कब और कैसे करना चाहिए? तो दही जो है हमें दिन में यानी डे टाइम में खानी चाहिए। दही जो है हमें मूंग की दाल या फिर घी या फिर शर्करा या फिर हनी या फिर आंवला के साथ, इन चीजों में से किसी एक के साथ हमें दही का सेवन करना चाहिए। अगर हम दही का सेवन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे कि फीवर आना या फिर स्किन प्रॉब्लम्स दिखाई देना या फिर चक्कर आना, खून की कमी होना, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।